good morning students today we will see our chapter number 12 work we do part 2 in previous lecture we learned about uh, our part 1 now let's start our part 2 household work dipali is uh, also one such girl who does not go to school let us read about her dipali is uh, a girl who is स्कूल नहीं जाती थी उसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं दीपाली इज़ द एल्डेस्ट चाइल्ड इन हर फैमिली दीपाली जो थी वो uh, सबसे बड़ी uh, बड़ी चाइल्ड थी घर फैमिली uh, में हर फादर सेल्स वेजिटेबल्स ही लिव्स फॉर द मंडी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग हर मदर वॉशिज यूटेंसिल्स इन सम हाउसेस शी ऑल्सो लिव्स फॉर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग दीपाली cooks food for her uh, brothers and sisters she cleans the house and also wash uh, also washes the utensils she is very fond of uh, listening to the radio she listens to uh, songs while she works after finishing the work at uh, home she goes to drop her brother with uh, their father she uh, then texts her younger sisters uh, suman and शैला टू स्कूल यानी ये जो दीपाली है ये दीपाली सबसे बड़ी थी घर में उसके फादर जो थे वो आ, वेजिटेबल सेलर थे ठीक है ही लिव्स फॉर द मंडी वो सुबह ही मंडी चले जाते थे उसकी म, मम्मी जो थी वो दूसरों के घर में बर्तन धोने का काम करती थी तो उसके पहले वो अपना घर का काम जल्दी निपटा के फिर दूसरों के घर जाती थी यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए दीपाली जो थी वो घर पे फूड बनाती थी उसके ब्रदर और सिस्टर के लिए वो घर क्लीन करती थी यूटेंसिल्स वॉश करके रखती थी वो रेडियो उसका उसको सुनना बहुत पसंद था तो वो जब काम करती थी तब वो रेडियो रेडियो पे सॉन्ग सुनती थी जब उसका काम पूरा कंप्लीट हो जाता तो वो अपने भाई को ड्रॉप करने जाती थी विथ देयर फादर उनके पापा के साथ ठीक है शिदन टेक्स हर यंगर सिस्टर फिर वो अपनी यंगर सिस्टर्स को सुमन को और शैला को स्कूल uh, 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 लेने जाती थी आफ्टर दैट दीपाली हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क इन द आफ्टरनून शी ब्रिंग्स हर ब्रदर एंड सिस्टर्स बैक होम इन द इवनिंग शी प्लेज विद अदर चिल्ड्रन इन द नेबरहुड हर मदर कम्स बैक होम लेट इन द इवनिंग Dipali helps her mother cook dinner for the family. Her father comes home very late at night. At night Dipali uh, loves to lie in bed and read, his, uh, read her sister's school uh, books. She has studied up to class 3. Three years back uh, she has studied up to class 3. आफ्टर दैट दिपाली हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क यानी दिपाली जब अपने uh, मम्मी को हेल्प करती थी उसके बाद में आफ्टरनून में वो अपने भाई को और बहन को फिर से वापस स्कूल uh, लेने जाती थी uh, फिर इवनिंग में वो लोग uh, अपने जो चाइल्ड आई मीन नेबर्स हैं उनके uh, साथ खेलते थे uh, जब उसकी मदर दिपाली की मदर uh, घर पर बहुत लेट आती थी इवनिंग में तो दीपाली उसके मदर को आ, कुकिंग के लिए हेल्प करती थी और उसके फादर जो है वो बहुत लेट आते थे वेजिटेबल सेल करके तो आ, फिर बाद में एट नाइट दीपाली को बेड पे लेट के अपने सिस्टर के आ, जो स्कूल बुक्स है उसको रीड करना बहुत पसंद आ, था आ, शी हैज़ स्टडीड अप टू क्लास थ्री वो क्लास थ्री तक के पढ़ी थी थ्री ईयर्स बैक वेन हर लिटिल ब्रदर वॉज बॉर्न शी हैड टू स्टे बैक होम टू टेक केयर ऑफ हीम शी कुड नॉट स्टडी एनी मोर शी फील्स दैट रीडिंग बुक्स हेल्प्स हर टू नो द थिंग्स नाउ शी इज़ बैक टू स्कूल एंड गोज रेगुलरली यानी तीन साल पहले जब उसे भाई आया था तो उसका स्कूल बंद हो हो गया था क्योंकि वो अपने भाई को फिर घर पर संभालती थी उसके बाद वो बिल्कुल पढ़ नहीं पाई शी फील्स दैट उसे लगता था कि uh, जितना भी बुक रीडिंग uh, मैं करूँगी वो मुझे uh, बहुत सारी चीज़ें पता करने के लिए हेल्प uh, करेंगे नाउ शी इज़ बैक टू स्कूल अभी वो स्कूल जाने लगी है एंड रेगुलरली वो जा रही है तो रिमेंबर एंड राइट अब उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है वॉट वर्क डज दीपाली डू इन हर ओन हाउस यानी दीपाली अपने घर में क्या काम करती थी तो मैंने यहाँ लिखा है क्लीनिंग हाउस वॉशिंग यूटेंसिल्स लिसनिंग रेडियो टेक्स हर ब्रदर एंड सिस्टर टू स्कूल देन हेल्प हर मदर एंड कुक्स फूड ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू ऑल्सो डू हाउस होल्ड वर्क इफ यस वॉट यानि क्या आप भी हाउस होल्ड वर्क यानि घर में काम करते हो अगर करते हो तो कौन से यहाँ पे uh, uh, जगह रखी हुई है आपके टेक्स्ट बुक में भी ऐसा ही होगा आपको ये खुद क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है कि आप घर पे कौन से कौन से काम करते हो ठीक है तो ये आपको कंप्लीट करना है देन उसके नीचे भी जो क्वेश्चन है वो आप ही को करना है उसमें क्या करना है लेट्स सी बिसाइड्स हाउस होल्ड वर्क डू यू डू एनी अदर वर्क एट होम इफ यस तो वॉट यानी हाउस होल्ड वर्क के अलावा यानि घर के कामों के अलावा भी क्या कोई और वर्क आप करते हो घर पे तो अगर करते हो तो यहाँ पे आपको लिखना है कि कौन से कौन से करते हो और अगर नहीं करते तो जस्ट डैश कर दो ठीक है दिस क्वेश्चन ऑल्सो यू हैव टू सॉल्व गिवन बिलो आर सम डेली एक्टिविटीज शो ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक्स एट वॉट टाइम ऑफ द डे यू डू देम ठीक है यहाँ पे सिक्स uh, क्लॉक्स यहाँ पे ड्रॉ की है हर एक क्लॉक के नीचे लिखा हुआ है जैसे वेकअप इन द मॉर्निंग यानी आप मॉर्निंग में कितने बजे उठते हो देन गो टू स्कूल आप कितने बजे स्कूल जाते हो रिटर्न फ्रॉम स्कूल कितने बजे रिटर्न आते हो स्कूल से देन सिट डाउन टू स्टडी एट होम आप uh, घर पे पढ़ाई करने के लिए कितने बजे बैठते हो गो टू प्ले कितने बजे खेलने जाते हो एंड स्लीप एट नाइट और रात में कितने बजे सोते हो तो ये सब का शेड्यूल आप uh, uh, अलग अलग होता है तो आपको ये क्वेश्चन uh, जो है उसका आपको खुद को सॉल्व करना है, आपके घर के कौन से मेम्बर्स uh, घर के काम uh, करते हैं वॉट वर्क डू दे डू और वो कौन सा काम uh, करते हैं तो यहाँ पे एक टेबल है जिसमें टू कॉलम्स है एक uh, में लिखा है फैमिली मेंबर्स यानी कौन सी फैमिली मेम्बर्स कौन सा काम करते हैं और दूसरे इसमें है वर्क दे डू वो कौन सा काम करते हैं तो यहाँ मैंने लिखा है फैमिली मेम्बर्स के कॉलम में फर्स्ट इज़ मदर तो मदर घर पे कौन सा काम करते हैं तो बहुत सारे काम करते हैं लेकिन यहाँ पे एक स्पेशली वर्क uh, लिखा हुआ है दैट इज़ कुक्स फूड वो खाना बनाती है ठीक है देन सिस्टर सिस्टर कौन सा हाउस होल्ड वर्क करती है तो हेल्प्स मदर इन हाउस होल्ड वर्क यानी वो मम्मी को हेल्प करती है घर के कामों में चाहे वो डस्टिंग हो क्लीनिंग हो वॉट एवर देन ब्रदर ब्रदर क्या हेल्प करता है ब्रदर कौन सा काम करता है तो ब्रिंग्स वेजिटेबल्स एंड अदर आइटम्स फ्रॉम मार्केट वो कुछ सब्जियां या फिर कुछ और आइटम्स uh, लाने हैं मार्केट से तो वो लेके आता है देन फादर फादर वो क्या वर्क करते हैं तो गोज़ टू वर्क टू अर्न मनी यानी वो ऑफिस जाते हैं वर्क uh, करने जाते हैं बाहर जिससे उनको पैसा मिलता है ठीक है मनी अर्न करने के लिए वो वर्क करने जाते हैं बाहर विच ऑफ योर फैमिली मेंबर्स वर्क टू अर्न मनी यानी आपके घर घर के कौन से मेंबर uh, जो है वो पैसा कमाने के लिए बाहर जाते हैं तो ये आपको पता है ठीक है इसका भी आंसर आप ही को लिखना है सब स्टूडेंट्स uh, का अलग अलग आंसर uh, होगा कौन वर्क करने जाता है एंड uh, uh, कौन सा वर्क वो करने जाते हैं लाइक ठीक है like, जैसे फैमिली uh, मेम्बर्स है एंड वर्क दे डू तो फैमिली मेम्बर्स में आप लिखो फादर तो वर्क दे डू वो कौन सा काम करने जाते हैं ठीक है ठीके? फिर ब्रदर है अगर आपका एल्डर ब्रदर है बड़े भाई तो वो uh, कौन सा वर्क करने जाते हैं इंजीनियर है या वॉट ऐसे आपको लिखना है ठीक है नेक्स्ट इज विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स डू वर्क बट डू नॉट गेट मनी फॉर इट यानी आपके फैमिली uh, uh, के कौन से मेम्बर्स है जो कि काम तो करते हैं लेकिन उनको उसके पैसे मिलते नहीं है तो उसके लिए बड़ा सा एग्जाम्पल है uh, जैसे मदर वाइफ यानि आपकी मम्मा ठीक है uh, जो पूरा दिन घर में काम करती है लेकिन उसके लिए उसको पैसे मिलते हैं क्या नहीं ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट फ्रॉम यूर ग्रैंड पेरेंट्स वॉट वर्क दे डीड वेन दे वियर चिल्ड्रेन यानि आप आपके ग्रैंड uh, पेरेंट्स से पूछिए कि जब वो छोटे थे जब वो चिल्ड्रेन थे तो वो घर पर कौन सा घर का काम करते थे तो वो आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ के ही यहाँ पे लिखना है ठीक है तो ये भी आपको एज अ होमवर्क कम्प्लीट करना है बहुत सारे इसमें से जो क्वेश्चन uh, है जो कि आपसे रिलेटेड है आपको खुद को सॉल्व करना पड़ेगा एंड इट्स वेरी ईजी तो uh, आप आपके पेरेंट्स का भी हेल्प ले सकते हो इसके लिए ओके नाउ नेक्स्ट इज सरला आस्क हर ग्रैंड मदर यानी कि नानी द सेम क्वेश्चन नानी रिप्लाइड व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वुड हेल्प माय एल्डर्स टू कलेक्ट फायरवुड मेक केक्स एंड प्लास्टर वॉल्स विथ काउडंग बट नाउ वी हैव अ स्टोव दैट वर्क्स ऑन गोबर गैस the floor and the walls of our house are cemented there is no need for uh, sarla to do some of the jobs that her grandmother did in her childhood yani ye jo yaha pe sarla hai ye sarla ne same jo upar question hai waise usne apne nani ko pucha to nani ne ye bola ki jab main choti thi तो मैं मेरे बड़ों uh, को help करती थी uh, बड़ों के साथ मैं firewood जो है लकड़ियाँ कलेक्ट करने जाती थी केक्स बनाती थी एंड काउडंग uh, से फिर प्लास्टर ऑफ वॉल्स विथ काउडंग वो मैं करती थी उसके बाद अभी uh, जो है बट नाउ अभी क्या है अभी स्टोव आया है तो स्टोव पे तो फायरवुड की जरूरत नहीं होती है ठीक है uh, गोबर गैस लगेगा उसके लिए है ना गोबर गैस पे फिर खाना पकाना शुरू कर दिया uh, फिर जो फ्लोर और वॉल्स है वो सारी सीमेंट की है तो काउडंग तो कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी काउडंग काउडंगक्स है ना फिर देर इज़ नो नीड फॉर सरला टू डू सम ऑफ द जॉब सो अभी सरला को कुछ काम करने की इतनी ज़रूरत ही नहीं है दैट हर ग्रैंड मदर डीड इन हर चाइल्ड हुड जो उसके नानी ने काम किया हुआ था पहले जब वो चाइल्ड हुड चाइल्ड थी वैसे सरला को तो काम ही नहीं करने पड़ रहे क्योंकि अभी तो एडवांस्ड हो गया है बहुत सारा तो अभी ये सारी चीज़ें कलेक्ट करने आ, करते ही नहीं है understood. Some oral questions are here. You had uh, written about the work you do and the work done by your elders in uh, their childhood. Is there a change yani जो आपने काम किया हुआ था और जो आपके बड़ों ने उनके childhood में काम किया हुआ था. Is there a change याने उन uh, work में कुछ change है तो यस ऑब्वियसली चेंज है जो हमारे बड़े हैं जब वो छोटे थे तब इतना एडवांस नहीं था यानी सीमेंट वाले घर नहीं थे फ्लोर्स वाले घर नहीं थे फिर अभी तो गैस आया है पहले गैस नहीं था तो उनको फायरवुड्स लाना पड़ता था कलेक्ट करना पड़ता था केक्स कलेक्ट करने पड़ते थे है ना तो बहुत सारा डिफरेंसेस है दोनों के काम में देन नेक्स्ट इज दीपाली हैड टू लीव स्कूल टू डू हाउस होल्ड वर्क फाइंड आउट इफ़ देयर आर एनी children इन your नेबरहुड हु आर ओवर फाइव ईयर्स एंड डू नॉट गो टू स्कूल यानि जैसे ये लेसन में बताया है कि दीपाली ने अपना स्कूल uh, छोड़ दिया था अपने घर के कामों के लिए वैसे आपके नेबर uh, में uh, अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसे बच्चे हैं जो कि फाइव ईयर्स uh, के ऊपर है और वो स्कूल नहीं जाते और घर पर काम करते हैं ठीक है तो ये तो जस्ट सर्वे है जस्ट ऑब्जर्वेशन है देन नेक्स्ट इज़ टॉक टू एनी टू चिल्ड्रन एंड फाइंड आउट वाई दे डू नॉट गो टू स्कूल तो ऐसे अगर कोई बच्चे हैं जो कि स्कूल नहीं जाते हैं तो उन्हें जस्ट uh, आप uh, पूछो ठीक है और ये फाइंड आउट करो कि वो स्कूल क्यों नहीं जाते हैं देन लास्ट इज़ दिस चाइल्ड लाइक विच काइंड ऑफ स्कूल और ऐसे बच्चों के लिए कौन से uh, तरीके का स्कूल होता है उसके बारे में लिखना है तो ये तो जस्ट जनरल है जो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने बताया है ओरली आपको समझने के लिए ओके एंड यहाँ पे आपको क्या करना है जो क्वेश्चन uh, मैंने इसके पहले वाले स्लाइड में बोला हुआ था कि ऐसे कोई अगर बच्चे है तो आपको वो बच्चों के बारे में लिखना है कि वो स्कूल क्यों नहीं जाते तो यहाँ पे आपको दो बच्चों का एग्जाम्पल देना है यानी दो बच्चों के बारे में लिखना है जो कि स्कूल नहीं जाते हैं तो नेम ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड एक पहले बच्चे का नाम यहाँ पे लिखना है आप ऐसे ही आपके मन से यहाँ पे नाम डाल दो फिर रीज़न फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल यानी वो स्कूल क्यों नहीं जाते हैं उसका आपको रीज़न यहाँ पे लिखना है एंड वॉट यू लाइक द मोस्ट इन द स्कूल वो स्कूल तो नहीं जाते है, उसका रीज़न यानी कारण आपको यहाँ पे लिखना है कि स्कूल वो क्यों नहीं जा रहे और अगर और उन्हें स्कूल की कौन सी बात बहुत अच्छी लगती है यानी स्कूल में उनको जाना क्यों अच्छा लगता है तो एक कोई भी हमको यहाँ पे लिखना है जैसे कि आ, खेलने को मिलता है या पढ़ने को मिलता है या फिर आ, बहुत सारे बच्चों बच्चे हमको मिल जाते हैं हमारे फ्रेंड्स बनते हैं ये कुछ भी आप लिख सकते हो तो या आप खुद लिख के देखोगे ठीक है मैं अभी यहाँ पे नहीं लिखवाऊंगी या आप आपके पेरेंट्स से या एल्डर कोई भी आपके दीदी या भैया है उनके हेल्प से आप ये कंप्लीट करोगे फिर आपको यहाँ पे दूसरे चाइल्ड का नाम लिखना है सेम uh, रीज़न भी आपको यहाँ पे लिखना है कि इसका रिजल्ट क्या है तो आपको डिफरेंट रीज़न लिखना है इसका कारण पहले वाले चाइल्ड से uh, अलग लिखना है ठीक है और इसको भी स्कूल uh, में वॉट यू लाइक द मोस्ट इन द स्कूल स्कूल में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है तो ये भी पहले चाइल्ड से डिफरेंट आंसर यहाँ पे आना चाहिए तो आपको दो ही पेरेंट्स सॉरी चाइल्ड के बारे में लिखना है ओके एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट विल यू डू फॉर दिस चिल्ड्रन सो दैट दे कम टू स्कूल और ये जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं कुछ रीजंस के कारण uh, तो आप, uh, आप उनको हेल्प कैसे करोगे या फिर व्हाट विल यू डू फॉर दिस चिल्ड्रन आप इनके लिए क्या कर सकते हो जय, जो कि वो स्कूल जा पाए ठीक है तो ये भी अब आपके पेरेंट्स के हेल्प से वो आपको समझाएंगे और फिर आपको इसको लिखना है राइट right? तो हियर इज अवर पार्ट टू ऑल्सो कम्प्लीटेड सो अवर चैप्टर नंबर ट्वेल्व होल कम्प्लीटेड फाइन यहाँ पे जो भी आज का आपका होमवर्क ये होगा यहाँ जो भी मैंने लिखा हुआ है आ, आपको टेक्स्ट बुक में ये सेम वैसे के वैसे लिखना है और कुछ जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व करने हैं इट्स वेरी इजी क्योंकि वो रिलेटेड टू यू है आपसे रिलेटेड है सबका सेम नहीं होता है मैं अगर लिखने ये जाऊँ तो मैं मेरे अकॉर्डिंग लिखूंगी लेकिन आपके घर में कौन क्या कैसा काम करता है वो मुझे नहीं पता तो वो आपको लिखना है ओके सो ट्राई टू सॉल्व इट बाई यूर सेल्फ एंड थोड़ा भी हेल्प लगता है तो आप आपके पेरेंट्स का हेल्प इसमें ले सकते हो एंड रीड दिस चैप्टर टू So see you next lecture with our hard words and exercise. Till then, take care. Bye bye.